देश की आन बान और शान तिरंगे से जहां हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा होता है, वहीं प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद में पिछले करीब 6 माह से तिरंगा गायब है। तिरंगे का झंडा सूना सूना लग रहा है, लेकिन ना तो इसकी परवाह सत्तासीन पार्टी के नेताओं पार्षदों को है, न ही यहाँ के अधिकारियों को। अब सवाल यह है कि जो नगर परिषद अपने परिसर में झंडा नहीं संभाल सकती, वह शहर को कैसे संभाल पाएगी। करोड़ों की आमदनी करने वाली नगर परिषद सोलन प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद है। यहाँ पर पिछले कई दशकों से झंडा इस नगर परिषद की आन बान शान का प्रतीक रहा है। कई बार यह नगर परिषद उल्टा झंडा लगाने में सुर्खियों में तो अवश्य ही रही है, लेकिन पिछले करीब 50 सालों से झंडे की परंपरा निरंतर चली आ रही थी, लेकिन अब पिछले करीब 6 महीने से झंडा इस नगर परिषद से गायब है। वह सभी के सभी मौन हैं। हालांकि कई बार नगर परिषद सदन में भी यह मुद्दा गूंजा, लेकिन इस झंडे को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। मैंने भी यहाँ पर झंडा लगा हुआ पहले देखा, जब मैं यहाँ पर ज्वाइन किया था जुलाई महीने में, धुंधला हो गया और साइडों से फट गया था, और मैंने इनको आदेश दिया था कि एक नया झंडा लगा करके यहाँ ला करके यहाँ लगाया जाए, ताकि वो छोटा जचे भी और एक इसकी फ्लैग पोस्ट भी अच्छी बने, पाइप भी अच्छी बनाए, तो इसमें नए झंडे लगाने के लिए प्रोविज़न रखा हमने। कम तो यहाँ की 6-7 करोड़ है, और सरकारी हमें आय भी सरकार से भी पैसा मिलता, ग्रांट मिलती है, और इनकम हमारी वजह से इतनी पूरी भी नहीं है कि हम उस हर समस्या का हल कर सकें या हर काम पूरा कर सकें, लेकिन ठीक चला हुआ है। आय के स्रोत अभी तक और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं हम, और जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे हम लगा देंगे इसको जितना जल्दी हो सकेगा। हमारे ध्यान में आ गई है बात कि भाई ये अभी तक नहीं लगाया है, और इसकी फ्लैग पोस्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो थोड़ा ठीक लगे और लगे कि कोई झंडा लगाया गया है। और थोड़ा बहुत पुरानी है, जब से हमारी कमेटी का यहाँ बिल्डिंग बनी है, मैं बचपन से देख रहा हूँ कि यहाँ पे कपिल मोहन जी की बिल्डिंग मूर्ति के सामने मतलब ये झंडा हमेशा लगाया जाता था, और शांति है हमारी झंडा जो है, और कमेटी का ये हमेशा सही रहा है कि इसको शुरू से ही परंपरा के तौर पे निभाया जा रहा है, जो 6 महीने से नहीं निभाया जा रहा। अब ये तो यहाँ की वर्किंग का ऐसा है कि भी कभी आप भी पार्षद रहे, मैं भी पार्षद हूँ पिछले 9 साल से, तो ये अभी 6 महीने में ही ऐसा हो रहा है कि ये लगाया नहीं जा रहा है। इसको बोला भी गया है, जबकि पार्षदों की ओर से भी बोला गया है, तब भी ये प्रोवाइड नहीं कराया गया, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे कमेटी के उसके ऊपर है कि ये क्यों नहीं इसको लगाया जा रहा, और मैं कहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी लहराया जाए। इसमें पहले जो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारे देश की आन बान शान है। बड़ा खेद का विषय है कि काफ़ी समय से यहाँ पर कम से कम 5-6 महीने से ये झंडा म्यूनसिपल कमेटी की नलायकी के कारण नहीं लग पाया। तो मेरा तो ये मानना है कि नगर परिषद को, जो हमारे देश का प्रतीक है, आन बान शान है ये झंडा, इसको तुरंत लगवाना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर मैं जयराम ठाकुर जी से अनुरोध करता हूँ कि कार्रवाई करें, जल्द से जल्द इसका निपटारा हो और सोलन की जनता को राहत मिले। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।